हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर महेंद्र बघेल एमबीबीएस, आपका हार्दिक स्वागत करता है। स्क्रीन पे जो आप कैट देख रहे हैं, ये पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी ग्रसित हैं। इसका जो सिम्टम है, फेशियल स्वेलिंग थी, साइनेटिक म्यूकस मेम्ब्रेन था और वीकनेस थी और एनोरेक्सिया था। इसका मेरे द्वारा इलाज किया गया है। इलाज में मेरे द्वारा इसको एनएसटेंसिस्टिन, डेक्सामेथाजन, एस्पर्बिक एसिड और लिवर प्रोटेक्टेंट दिए गए। उसके बाद इसका जो रेस्पॉन्स था वो बहुत अच्छा था और 3 दिन में कम्प्लीट रिकवर हो गए हैं। अब जो पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी होती है वो बहुत घातक होती है और इसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होते हैं, बहुत सारे और भी ट्रीटमेंट हैं, पर इसमें सिम्टम इतने नहीं थे कि और भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े, तो कम से कम ट्रीटमेंट में ये सुधर गए हैं। लेकिन मेरा ये निवेदन है कि जब भी कोई पशु को बुखार आए हैं, खासकर केट और डॉग को, तो हम उसको पैरासिटामोल नहीं देते हैं और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन नहीं देना चाहिए। लेकिन आमतौर पर होता क्या है कि जो भी पेट लवर है, पेट ओनर है, वो अपनी अनुसारी मेडिसिन दे देता है। उसका रिजल्ट ये होता है कि उस पेट में टॉक्सिसिटी होती है और उसके कारण उसकी मौत हो जाती है। फ्रेंड्स, देखने में ये आता है कि ज़्यादातर केट में अगर हम पैरासिटामोल देते हैं तो टॉक्सिसिटी होती है और उसकी डेथ हो जाती है। उसके पीछे कारण ये रहता है कि उसमें कुछ एंजाइम्स नहीं होते हैं तो उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाते हैं। उसके कारण वो बॉडी में अनेक प्रकार का टॉक्सिन्स बनाती हैं, वो टॉक्सिन्स डायरेक्ट अफेक्ट करता है उसके लिवर, किडनी, एलिमेंट्री ट्रैक्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक। इसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सभी से निवेदन है कि जब भी हमारे पेट्स को फीवर हो तो पैरासिटामोल की टेबलेट नहीं दें, और उसके फीवर के लिए अलग दवाई आती हैं, वो अपने वेटनरी डॉक्टर से कंसल्ट कर उसे सलाह लें। थैंक यू।